हाय फ्रेंड्स, मैं क्यूटी ट्रैवलर। आप पहुंची हूँ इसराइल में, उप्स मिनी इसराइल ऑफ इंडिया, जो कि है धर्मकोट, और ये है आपके मैक्लोडगंज धर्मशाला में। सो गाइस, ये मैंने आपको, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी बर्ड हाउस कैफ़े एंड केकरी, तो ये है धर्मकोट का वन ऑफ द बेस्ट बेकरी या केकरी शॉप कह लीजिए, जहाँ पे आपको शॉप नहीं रेस्टोरेंट कह लीजिए, जहाँ पे फॉरनर्स बहुत इंजॉय करते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया और ये बहुत ही प्यारी सुकून, यहाँ पे आपको बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर दिख जाएंगे, योगा सेंटर दिख जाएंगे, और ये पूरा इसराइल हब है, मिनी इसराइल हब है। यहाँ पे आपके सारे फॉरनर्स मोस्टली स्टे करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यस, क्योंकि यहाँ पे आपको सुकून एक अलग ही है। क्योंकि आपको अगर जाना है तो गाइज, मैं आपको पहले थोड़ा वो बता दूँ कैसे जाना है। तो आप पहुँचते हो मैक्लोडगंज, जहाँ पे आपको मेन स्क्वायर में आसपास ही स्टे करना है। मेन स्क्वायर हो गया जो मेन चौराया हो गया, मॉल रोड हो गया, यस, वहाँ से आपको कन्वेंस मिल जाता है। धर्मकोट आने के लिए 180 रुपीज़ लगते हैं, एग्जैक्ट 180 रुपीज़, यस गाइज, क्योंकि धर्मकोट अराउंड 2.5 किलोमीटर दूर है आपके मेन स्क्वायर से। तो आप इवन ऑटो भी ले सकते हो, ऑटो के भी चार्जेस अराउंड 100 है। सो गाइस 100-110 इतना ही लेते हैं। सो आप यहाँ पे आ सकते हो, मैंने वैसे ऑटो लिया था, एंड जाते टाइम मैं ट्रैक करते हुए नीचे वॉक करते नीचे पहुँच जाओगे मैक्लोडगंज, तो ईजी है। आते वक्त ऑब्वियसली थोड़ी चढ़ाई है तो आपको तो चढ़नी पड़ेगी, तो आप ऑटो प्रेफर कर लीजिए, और उसके बाद जाने के टाइम जैसे मैं अभी जा रही हूँ आपको नज़ारे दिखाते हुए, आप वैसे जाइए। सो मैं आपको ये बता रही थी कि एक्चुअली ये धर्मकोट एक कह सकते हो हिडन जेम है, जो लोग यहाँ पे आते हैं सुकून, पहाड़ों में सुकून ढूंढने या रहने स्टे करने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक 1 वीक 2 वीक 3 वीक, तो ये जगह बेस्ट है गाइस। यहाँ पे आपको खाना बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, और ये मार्केट आपको बहुत सारे मार्केट में जो चीज़ें लाइक तिब्बत, अगर आप तिब्बत स्टाइल चीज़ें और या फिर लाइक मैक्रमे बैग्स हो गए या बोहो स्टाइल चीज़ हो गए, अगर आपको चाहिए और ऑथेंटिक चाहिए तो आपको वो यहाँ मिल जाएगा, लाइक सारा हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट वर्क। सो आपको बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा, मतलब पेंटिंग्स, मतलब सारी चीज़ें बहुत ही ऑथेंटिक जो होती नहीं है। सो और मतलब मैं ये देखिए सारे स्टोन्स, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और ऑब्वियसली आप देख रहे हो, मतलब खुद उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो, सो अलग फील है गाइस, अलग फील, OTT फीलिंग कहते हैं ना जैसे, वो है। और आपको यहाँ पे बहुत सारे कैफ़े दिख जाएंगे, छोटे छोटे कैफ़े, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा ये यहाँ पे पेंटिंग करते हुए आपको बहुत सारे पेंटर्स मिल जाएंगे, और ये देखिए इन्होंने पूरा अपना पूरा बना रखा है, खुद पेंट कर रहे थे ये, एंड तो आपको बहुत आर्टिस्ट लोग भी दिख जाएंगे यहाँ पे। एंड मैं हाँ ये भी कह रही थी, कैफ़े आपको जैसे कि मैं बता रही थी, एक बर्ड हाउस तो है ही फेमस कैफ़े, इसके अलावा भी और एक कैफ़े मुझे जस्ट याद नहीं आ रहा, वो भी बहुत फेमस है, ये मंदिर हो गया, आशीर्वाद ले लेते हैं एंड आगे की ओर चलते हैं। और ग्रीनरी है गाइस आपको रूट का, हाँ ये एक मलका कैफ़े हो गया, ये भी बहुत फेमस है। एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको सारे जो कैफ़े एंड फॉरनर्स सब दिख जाएंगे आपको यहाँ पे, और पूरा ही फॉरनर्स से ही भरा पड़ा है ये धर्मकोट। सो गाइस आए तो इस जगह को तो अपने बकेट लिस्ट में रखना है, और जो थीम म्यूज़िक वो अलग ही कहते नहीं, माइंड को अगर आपको डाइवर्ट करना है सारी क्राउडी सारी जगह से आपको, तो ये जगह बेस्ट है, हर एक स्पॉट में कैफ़े है, हर एक स्पॉट। सो गाइस अगर आपको रुकना है और मतलब मैक्लोडगंज में आप प्लान कर रहे हो, तो प्लीज़ धर्मकोट का प्लान ज़रूर रखिएगा, एंड स्टे कर सको तो स्टे भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं मोस्टली मैंने मेरे सारे स्टे मॉल रोड में ही थे, तो ऑब्वियसली पहले से ही बुकिंग थी, तो मैंने आगे की बुकिंग यहाँ पे नहीं करवा पाई, अगर इन केस मैं कभी इन फ्यूचर जाती हूँ, ये मैं सेकेंड टाइम जा रही हूँ, सो मैं धर्मकोट में स्टे का ज़रूर प्लान करूँगी। एंड हाँ गाइज़,
यहाँ पे मतलब आपको म्यूजिक, शॉपिंग, सब कुछ एक ही जगह, एक कैफे, सारा म्यूजिक, सारा कुछ, स्कल्पचर्स खरीदो, बोहो आइटम्स खरीदो, तिब्बतन आइटम्स खरीदो, स्टोन, सोवेनियर्स, स्कल्पचर्स, जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं ना उनके लिए आई थिंक ये बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे आप विथ जॉय, आप मतलब इवन आप जो फोटोग्राफी भी पसंद करते हैं उनके लिए भी अगेन ये बहुत ही अच्छा स्पॉट है। आप इसको ध्यान में रख के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मेरे लिए ये हिडन जेम था मैक्लोडगंज धर्मशाला का, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी मार्केट है, अच्छी शॉपिंग कर सकते हो, कैफ़े है मोस्टली, कैफ़े, म्यूज़िक, खाना अच्छा, मतलब एक इंसान को घूमने जाने के लिए सारी जो सारी चीज़ें चाहिए ना, सारा यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। और हाँ, अगर आप रहने का सोच रहे हो, रहने के लिए डॉर्मेट्रीज, होटल्स, इवन पूरा एक आप पूरा घर भी बुक कर सकते हो, बट वो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए होता है। सो गाइज, हम आ गए, ये स्टैंड है, यहाँ से आप वापस चले जा सकते हो बाई कैब और बाई ऑटो। सो गाइज, होप आपको वीडियो लगी अच्छी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल। लगे